आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आईएमए भवन पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आगरा के आईएमए चिकित्सक उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर वनज माथुर रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज सुबह 9:30 बजे आईएमए भवन पे जो हमारी पेरेंट संस्था है उसके द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था और ठीक 9:30 बजे ध्वजारोहण हुआ है और उसके बाद यहाँ पे एक आगरा इकाई की जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। कल जो एक दुखद घटना हमारे डॉक्टर साथी के साथ घटी है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और आगे का प्रोग्राम बाद में तय होगा। देखिए, आज आईएमए भवन पे हम लोगों द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। अपने समस्त सदस्यों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। आज का माहौल कुछ थोड़ा सा आईएमए में बदला हुआ है क्योंकि जिस तरीके से हमारे दो साथियों के ऊपर कायराना कातिलाना हमला हुआ है उससे सारा चिकित्सक समाज उद्वेलित है और परेशान है। भिन्न भिन्न तरीके से चिकित्सकों को दबाव में लिया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग अपना कार्य पूर्ण रूप से अच्छी तरह से ना कर सकें। कभी किसी झूठे केस में फंसाया जाता है, कभी भीड़ उनके ऊपर अटैक करती है। मैंने अभी एक ही बात कहा, संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस, और संविधान और विधान में मैं बस एक ही अंतर मानता हूँ कि संविधान तो जैसे आजकल अभी मैंने कहा भी कि ठंड का मौसम है तो ठंड से बचना चाहिए, ये संविधानिक स्थिति है। विधान की बात यह आती है कि उस ठंड से कैसे बचे। कोई आदमी स्वेटर पहन रहा है, कोई कोट पहन रहा है, कोई मफलर लगाए हुए है, कोई रजाई ओढ़े हुए है, कोई घर से निकल ही नहीं रहा, तो वो बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ जब ये प्रशासन को काम करना होता है, आईएमए देखिए हड़ताल चिकित्सीय पैसा एक जान बचाने का पैसा है। अफसोस इस बात का है कि इस आजकल के भौतिकवादी युग में आदमी अपनी जान की कीमत पैसे से लगा रहा है। वो सोचता है हम पैसे खर्च करके जान बचा सकते हैं, जबकि हमारा ये मानना है कि डॉक्टर ना तो जान देता है और ना किसी की जान लेता है। एक्चुअल में क्या है कि जो कल घटना घटी है ये बहुत ही शर्मनाक है। डॉक्टर लोग मरीजों का इलाज करते हैं, ओपीडी में इलाज होता है, गंभीर मरीजों का आईसीयू में इलाज होता है और हॉस्पिटल में इलाज होता है, और मृत्यु और जीवन हम जानते हैं कि ईश्वर के हाथ में है। हमारा प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक लड़ाई लड़के मरीजों का जीवन बचा सकें, लेकिन कभी कभी ये सीमाएं भी हमारी सीमाएं हैं और सीमा से हटकर हम मरीज को बचा नहीं सकते। तो इस घटना का होना और आगे भी घटनाएं ऐसी होती रहेंगी, लेकिन मरीजों का इस तरह का आक्रोश और डॉक्टर को पिटाई लगाना ये बहुत ही गलत है।